और उन्होंने वहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ के जो डोमिसाइल थे, जो माइग्रेटेड इंडियन थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको देख करके उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया और उन्होंने इस अत्याचार के खिलाफ संकल्प लिया कि हम मैं इस अत्याचार के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ूंगा और उन्होंने इसे सिद्ध कर दिखाया। महात्मा गांधी वहीं से प्रसिद्ध हुए। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद उनके पिताजी थे और माता का नाम पुतलीबाई था। 1915 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत पे वापस आए। उस समय पूरा विश्व जो है प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में था, लड़ाई हो रही थी प्रथम विश्व युद्ध की, और महात्मा गांधी भारत आते हैं और ब्रिटिशर्स को एक अवसर मिलता है कि क्यों ना महात्मा गांधी से एग्रीमेंट किया जाए, महात्मा गांधी से बात की जाए कि भारतीयों का सहयोग है वो दिलवाएं और उसके उपलक्ष्य में उन्हें जो चाहिए वो ब्रिटिशर्स दे देंगे। महात्मा गांधी ने ऐसा ही किया। महात्मा गांधी के एक आह्वान पर भारतवासियों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग कर दिया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही महात्मा गांधी जी से जो भी एग्रीमेंट हुआ था उससे अंग्रेज मुकर गए और उन्होंने जो है भारतीयों को रॉलेट एक्ट प्रस्तुत कर दिया। रॉलेट एक्ट मतलब काला कानून। काला कानून ऐसा कानून जहां ना कोई वकील है, ना कोई अपील है और ना कोई दलील है। किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और 2 वर्षों के लिए जेल में डाला जा सकता है। इसका पूरे भारत में विरोध हुआ और इसी विरोध के तारतम्य में हम देखते हैं कि जलियांवाला कांड भी घटित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी जानते हैं कि कितना ये द्रवित था, दिल दहला देने वाली घटना थी और वहां पर विरोध ही हो रहा था। एक तरह से देखा जाए तो वैशाखी का पर्व था और लोग दूर दराज से मेले में शरीक होने के लिए आए थे, परंतु वहां पर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो है विरोध भी प्रदर्शित हो रहा था। जनरल डायर जलियांवाला बाग में आता है और बिना किसी वार्निंग के गोली चला देता है और इसमें हजारों लोग मर जाते हैं और यहाँ से महात्मा गांधी और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उन्होंने देशव्यापी आंदोलन करने की ठान ली। यह प्रस्ताव पहले नागपुर में फिर कोलकाता में प्रस्तावित हुआ। इसी समय टर्की के साथ भी अंग्रेजों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। खलीफा का जो पद है, खलीफा पूरे विश्व में मुस्लिम जो होते हैं उनके धर्मगुरु होते हैं, उनके पद को समाप्त कर दिया गया और इसी का विरोध भारत में भी हो रहा था। शौकत अली अली बंधुओं के नेतृत्व में महात्मा गांधी और अली बंधु मिल करके खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों आंदोलनों को साथ साथ 1921 में शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले एक प्रस्ताव रखा था और दृढ़ संकल्पित भी थे। उन्होंने देशवासियों से कहा यदि किसी भी तरह से हिंसक घटना हुई तो वो आंदोलन को वापस ले लेंगे और 1 वर्ष तक आंदोलन चलता रहा। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हो गया और महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इसलिए महात्मा गांधी का भी पूरे देश में विरोध हुआ। महात्मा गांधी का विरोध हुआ, महात्मा गांधी ने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा था कि जब मैंने कहा था कि आंदोलन अहिंसक तरीके से ही चलना चाहिए, नॉन वायलेंस ही होना चाहिए और इस तरह से वायलेंस हो गया तो मैं आंदोलन को वापस लूंगा। इसके बाद 10 वर्षों तक महात्मा गांधी भारत का दौरा करते रहे, यानी संघर्ष विराम संघर्ष चलता रहा। महात्मा गांधी ने 1930 में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप देखिए किसी भी भारतीय उस समय
यदि हम देखें तो किसी भी भारतीय के जहन में ये बात नहीं आई थी कि नमक से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। महात्मा गांधी ने इस बात को भापा कि किस तरह से नमक पर टैक्स लग रहा है और नमक जन जन की जरूरत है। हर व्यक्ति नमक का प्रयोग करता है और टैक्स नहीं देने के लिए उन्होंने आह्वान किया और साबरमती से दांडी की यात्रा उन्होंने शुरू की और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। बीच में जो है महात्मा गांधी ने उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे उनके सामने प्रस्ताव रखा, 11 मांगी और उन्होंने कहा यदि मेरी 11 मांगों को मान लिया जाता है तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लूंगा। उनकी 11 मांगों को तो नहीं माना गया लेकिन उनमें से बहुत सारी मांगों को मान लिया गया। इसमें एक था कि जो राजनीतिक रूप से गिरफ्तार किए गए हैं यानी जो आरोपी हत्या के आरोपियों को छोड़ करके बाकी सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो रहते हैं वो इस बात का विरोध करते हैं कि यदि उस समय नेशनल असेंबली में हमला करने वाले जो लोग थे सरदार गुरु वगैरह राजगुरु तो सुखदेव राजगुरु भगत सिंह यदि महात्मा गांधी चाहते तो उनको जो है वो रिहा करवा सकते थे पर महात्मा गांधी इस समय मौन होते हैं। ये कारण है कि लोग कई बार महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की तुलना करते हैं। परंतु महात्मा गांधी यहाँ पर सही होते हैं। उनका कहना ये होता है कि हमारे पास हम भारतीय हैं, हमारे पास इतना अस्त्र और शस्त्र नहीं है कि हम जो है शस्त्रधारी अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, इसलिए हमें जो है दृढ़ विश्वास दृढ़ संकल्प के साथ धैर्य के साथ ही आंदोलन को अहिंसक तरीके से लड़ना चाहिए। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के प्रस्ताव को भी मान लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये गए परंतु वहां पर आरक्षण का कुछ ऐसा मुद्दा चला कि महात्मा गांधी जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके वो वापस आ जाते हैं। पुनः वो सभी अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। 1934 में आंदोलन की गति भी धीमी हो जाती है कि आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी बंद कर देते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी जो है देश का दौरा करते रहते हैं। 1942 में वो 1942 में उनका आखिरी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। और इसमें हमें एक चीज दिखलाई पड़ती है, असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसक तरीके से चल रहा है लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी मौन हो जाते हैं। महात्मा गांधी जो है करो या मरो का नारा देते हैं, डू और डाई। इसका मतलब ये नहीं होता है कि या तो आप काम करो या फिर मर जाओ, इसका मतलब ये नहीं होता। उनका कहना होता है कि आप जो है मरने की हद तक काम करिए और सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये पहला आंदोलन होता है भारत में जहाँ कोई लीडर नहीं होता है, बिना किसी लीडर का ये आंदोलन स्वस्फूर्त होता है। लोग अपने अपने स्तर पर जो है आंदोलन करते हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं ये आंदोलन लगभग सफल भी होता है और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा होता है। और इसमें जो है अंग्रेज अब पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं और भारत में भी आंदोलन होता है और उन्हें जो है भारत छोड़ना ही था उस समय। एक तो आंदोलन चल रहा था, दूसरा उनकी स्थिति पूरे विश्व स्तर पे बहुत कमजोर हो गई थी। और इस तरह से 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हो जाता है और हम सभी लोग आज आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं। इसमें हर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है और उसमें से महात्मा गांधी का योगदान किसी से छुपा नहीं है। इसलिए मैं जो है महात्मा गांधी से सब प्रेरित हो, उनके सत्य और अहिंसा के बताए हुए मार्ग पर चलें ऐसा अनुरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।